सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने सोनभद्र में बीजेपी पर जमकर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जुमले वाली सरकार गरीबी नहीं गरीबों को हटाने आई है। सबसे ज्यादा राजस्व देने के बाद सोनभद्र का अपेक्षित विकास ना होने के लिए सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियां जिम्मेदार हैं। नगर के रामलीला मैदान में आयोजित अधिकार सम्मेलन में बतौर अतिथि मुख्य अतिथि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जुमले वाली सरकार सिर्फ अपने लंबे लंबे वादे करती है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब की बार यूपी में खदेड़ा हुई, यानी अब की बार बीजेपी साफ। राजभर का यह कहना है कि बीजेपी की दवाई अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ उनके पास है। एक छोटा सा दवाई का डोज दिया तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया और रात में कई मंत्री विधायकों को नींद नहीं आई। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि असली दवाई तो 27 तारीख को पिलाएंगे। उन्होंने बीजेपी को डूबती हुई नैया बताया। ओम प्रकाश राजभर ने योगी मोदी पर जमकर हमला बोला और साथ ही कहा कि बीजेपी में जितना बड़ा अपराधी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, उतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। राजभर ने यह भी कहा कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। 27 तारीख को अखिलेश जी हमारे मंच पे आ रहे हैं और वही जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कल हमारी जो वार्ता हुई, उन्होंने भी जो प्रेस नोट जारी किया, जिन्होंने ट्वीट किया, उनकी तरफ से वही सब मुद्दे हैं जो वो हम लड़ते हैं, वही वो लड़ते हैं। सड़क अलग अलग बनी है ना, लेकिन लखनऊ के लिए कई सड़कें हैं, अलग अलग सड़कों से लोग लखनऊ में जाते हैं, ठीक है ना। चलने दीजिए रथ। और आज के तारीख में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव दोनों नेताओं के अलावा किसी की औकात नहीं है जो बीजेपी से लड़ सके।